गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दे दी गई, उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोषित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। भाईचारे की नींव हो, विकास की बात की जाए, लोगों को रोजगार की बात की जाए। आप देखिए, अगर जो शिक्षा मित्र हैं, मित्रों, जब 2017 में सरकार बनी, बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना, ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं, राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार ने एक नया नायाब एक नया तरीका अपना लिया कि शिलान्यास किसी ने किया, कार्य किसी ने किया, पत्थर वर्तमान सरकार ने लगा दिया। कार्य को कोई भी कर रहा है, उसमें पत्थर वर्तमान सरकार का लग जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में, मतलब जो वैमनस्यता का बीज बोने का काम किया, साथ ही साथ अगर आप देखें तो सरकार ने जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, केवल बिखराव के अलावा, समाज में टूटन के अलावा और कोई कार्य करने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ा कार्य यदि किया उन्होंने तो लोगों को बांटने का और प्रचार प्रसार करने का। सबसे ज्यादा बजट अगर किसी का है इनका, तो प्रचार करने के लिए है। रोज कहीं ना कहीं अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन हैं, होर्डिंग्स हैं, लेकिन धरातल पे वो कोई चीज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। कहीं पे भी धरातल में कोई चीज मौजूद नहीं है। और हम अपने जिले की बात करते हैं, एक उदाहरण हम देते हैं कि हमारा जिला गोरखपुर, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं, अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है, एक बाढ़ का उदाहरण देते हैं, बाढ़ में इस साल 3 गांव कट के खत्म हो गए, लेकिन वहां पे कोई बजट नहीं दिया गया। कोई भी बजट ऐसा नहीं दिया गया जो बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया गया हो। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं की हाल, केवल बिल्डिंग का उद्घाटन, गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन आदरणीय अध्यक्ष जी ने दी थी, गोरखपुर में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आदरणीय अध्यक्ष जी ने बनाया था, लेकिन आज उसमें कोई भी कार्य, कोई सी बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट होता है, जब अपॉइंटमेंट होता है तो एक जात विशेष के 75 लोग, 150 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें एक जात विशेष के 75 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। जितने थाने, जितने चौकी, जो जिले प्रशासन है, सब पे एक जात विशेष के लोगों को बैठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और तो और, खासकर हम जिस समाज से खाते हैं, ब्राह्मण समाज से जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और न्याय हुआ है, शायद ही कभी किसी ने किया हो। और सरकार ने जो कभी दुर्घटना के कारण जो इनकाउंटर होता है, दुर्घटना की होती है, इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकाउंटर की पॉलिसी बना दी कि साहब हम इनकाउंटर इनका कर देंगे, घोषित इनकाउंटर कर दिया। तो इसका मतलब सरकार ने कहा न्यायपालिका से पूरा विश्वास उठ गया है, सरकार का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि कायदे से किसी को भी हम किसी दुर्घटना में इनकाउंटर हो जाए, ये बात तो सुनी है, ये समझी है कि भाई इनकाउंटर ऐसे हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बना के कि साहब फला व्यक्ति का मुझे इनकाउंटर करना है। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोषित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो बस सरकार अपराध करने का काम कर रही है। किसी को न्यायपालिका को अपने हाथ में लेने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सरकार ने न्यायपालिका के भी कार्य को अपने हाथों में लेने का काम किया है आज की तारीख में, और लोगों को घोषित इनकाउंटर कर दिया है। इसी तरह जब डेंगू की बात आई थी, तो डेंगू की वजह से तो मर रहे थे लोग, गोरख बीआरडी में जो जापान जेईटी हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे, तो वहां के प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा, गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दे दी गई, उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया, उनका क्या अपराध है शायद ही कहीं किसी को मालूम हो। कफील जिसने सेवा करने का काम किया था, उसको जेल में रखने का काम किया। अभी आप देखिए विवेक तिवारी की यहां हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में हत्या हो गई, 5-5, 6-6 हत्याएं ऊंचाहार में हो गई। इसी तरह अभी गोरखपुर में 24 नवंबर को दिन दहाड़े
दिन दहाड़े जो कि कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सीएम सिटी है, वहां पे एक अंकुर शुक्ला नाम के नौजवान की कूच कर ईंटे से कूच कर हत्या की गई है और उस पे भी सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। और अभी तक की जो भी सरकारें हैं वो यदि कोई कार्य करती हैं तो वो ये कार्य करती हैं कि जो पीड़ित होता उसके पास जाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में जो उनके सहयोगी दल हैं अपराधी के घर पूछताछ करने गए कि उनकी कुशल क्षेम लेने अपराधी के घर गए, जो पीड़ित पक्ष था उसके घर कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए। तो आज पूरी सरकार, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, महंगाई की बात हो, महंगाई में चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कोरोना, कोरोना के दर्द को अभी लोग भूले नहीं है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो कोरोना में अपने किसी एक न एक प्रियजन को कहीं न कहीं निश्चित रूप से खो दिया है। उस अव्यवस्था के दौर में सरकार शांत हो गई थी, कहीं बोलने का काम नहीं कर रही थी। सरकार ने जो कोरोना पीड़ित थे उनके लिए कोई काम करने का काम नहीं किया। हमारे तरफ एक धुरियापार चीनी मिल है, उसको उन्होंने वादा किया था चलाने के लिए, लेकिन आज तक उस पर एक ईंटा नहीं रखा गया है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पे अभी फैकल्टी नहीं है, एम्स खोलने की बात हो रही है लेकिन फैकल्टी नादारद है, तो क्या केवल बिल्डिंग से हमारा काम चलेगा? तो पूरी प्रदेश सरकार आज की तारीख में केवल वादों पे चल रही है। अगर वहीं दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देखिए, 12 से 17 की सरकार को देखिए, तो एक नया विजन दिखाई देता है, एक नया दृश्य दिखाई देती है। आपका एक विजन था कि लखनऊ में मेट्रो को चलाने का काम किया, आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया, आज तक उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। तो जितनी विकास की परियोजनाएं थी ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी और इनके विजन और इनके सोच का ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज अचानक आकर उस पर रोक लगा दिया गया है। और अब ये महसूस हो रहा है कि जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की कमान पुनः नहीं संभालेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का विकास अब संभव नहीं है। हम सब लोग, जो भी हम लोगों की ताकत है, सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर पूरे प्रदेश में हर जगह जहां जहां आपका निर्देश होगा जाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बने इसका संकल्प लेंगे और 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम पुनः आपके आभारी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आभारी हैं, समाजवादी पार्टी के आभारी हैं और मेरा पूरा परिवार सहित हम सब लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और इस बात से कम आगे उत्तर प्रदेश का विकास हो, विनाश न हो, ठोको और एनकाउंटर और बुलडोजर की नीति समाप्त हो, भाईचारे की नीति हो, विकास की बात की जाए, लोगों को रोजगार की बात की जाए। आप देखिए, अगर जो शिक्षा मित्र हैं, जो परीक्षा लीक, तो मेरे ख्याल से एक ये बन गया है, एक सिस्टम बन गया है, जो भी परीक्षा हो जा रही है वो लीक हो जा रही है, फिर उसकी जांच हो रही है, फिर उसका सेंटर अगर गोरखपुर से कहीं मेरठ भेज दिया जा रहा है और मेरठ से कहीं गोरखपुर भेज दिया जा रहा है। तो इस तरह का काम इस सरकार में हो रहा है और इस सरकार में शायद ही कोई खुश होगा, शायद ही इस सरकार के जाने के लिए अब हर आदमी कामना कर रहा है, हर आदमी प्रयास कर रहा है। और आने वाले जब भी मत पड़ेंगे तो 2022 में लोग संकल्पित हो गए कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी हम सब लोगों का विश्वास है।